गौतम गंभीर अब टीम इंडिया के नए हेड कोच बन गए हैं। गंभीर ने राहुल द्रविड़ की जगह ले ली है, जिन्होंने T20 विश्व कप 2024 में टीम इंडिया को चैंपियन बनाया था। गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद अब टीम इंडिया अपनी पहली सीरीज श्रीलंका के साथ खेलेगी, जिसको लेकर टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी। वहीं अब टीम इंडिया का नया हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर के सामने ये तीन बड़े चैलेंज होने वाले हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साल 2025 में होने वाला है। इस बार गौतम गंभीर के सामने टीम इंडिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जितवाने की चुनौती होगी। टीम इंडिया कई बार फाइनल तक पहुंची है, लेकिन फाइनल में जाकर भारतीय टीम हार जाती है। ऐसे में बार बार गंभीर अपनी कोचिंग में टीम इंडिया को पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलवाना बिल्कुल चाहेंगे। ICC चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी पाकिस्तान करने वाला है। गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ये पहला ICC टूर्नामेंट खेलेगी। ऐसे में गंभीर के सामने टीम इंडिया को अपनी कोचिंग में पहला बड़ा ICC टूर्नामेंट जितवाने की चुनौती भी होगी। आखिरी बार भारतीय टीम ने ICC चैंपियन ट्रॉफी का खिताब MS धोनी की कप्तानी में साल 2013 में जीता था। अब T20 विश्व कप का अगला संस्करण साल 2026 में खेला जाएगा। इसको लेकर गौतम गंभीर को एक नई और युवा टीम तैयार करनी होगी, जिसकी तैयारी गंभीर श्रीलंका दौरे से ही शुरू करने वाले हैं। T20 विश्व कप 2024 के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। अब गंभीर को युवा खिलाड़ियों के साथ अच्छा तालमेल बैठाना होगा, जो आगामी विश्व कप में इन सीनियर खिलाड़ियों की कमी को पूरा कर सके। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रोहित शर्मा के संन्यास के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर टीम इंडिया का नया कप्तान कौन होगा। हालांकि इस लिस्ट में हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों का नाम सामने आ रहा है। फिलहाल जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।